नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फोर्ड की इको स्पोर्ट्स के साथ में महिंद्रा XUV 300 को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों गाड़ियों का सेगमेंट सेम है दोस्तों और दोनों गाड़ियों में लगभग 41,000 रुपीज़ से लेकर 1,66,000 रुपीज़ का लंबा चौड़ा प्राइस गैप है। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल या डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट्स लेनी चाहिए या फिर महिंद्रा की XUV 300। क्या आपको लगता है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स आपको महिंद्रा की XUV 300 से ज़्यादा मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है क्या वो आपको इको स्पोर्ट्स लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं दोनों गाड़ियों को लेकर, तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में। शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो सेगमेंट की जहां तक सवाल है दोस्तों, दोनों गाड़ियां सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 6,70,000 रुपीज़ से लेकर 13 लाख रुपीज़ तक। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बराबर है, लेकिन XUV 300 विड्थ के मामले में लगभग 56 mm और व्हील बेस के मामले में 81 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं इको स्पोर्ट्स हाइट के मामले में 20 mm ज़्यादा बड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो शुरुआत करेंगे पेट्रोल से। फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि 122 PS की पावर जनरेट करता है 6500 RPM पर और लगभग 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पर। वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 110 PS की पावर देगा 5000 RPM पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2000 से लेके 3500 RPM पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डीजल इंजन के बारे में। तो जहां पर इको स्पोर्ट्स में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1750 से लेकर 3250 RPM पर। वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि 116 PS की पावर जनरेट करेगा 3750 RPM पर और आपके लिए 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2500 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो कर्ब वेट पर एक नज़र डालेंगे और जिसे जानकर हमें बेसिक अंदाज़ा हो पाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक फोर्ड इको स्पोर्ट्स की बात है, इसका वज़न है 1,246 किलोग्राम से लेकर 1,302 किलोग्राम तक। वहीं महिंद्रा XUV 300 का वज़न है 1,307 किलोग्राम से लेकर 1,404 किलोग्राम तक। चलिए लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में जहां पर आपको 200 mm का बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं XUV 300 आपको मात्र 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। लगे हाथों टर्निंग रेडियस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो महिंद्रा XUV 300 में जहां पर आपको 42 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं इको स्पोर्ट्स में आपको 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। लगे हाथों माइलेज पर भी एक नज़र डालते हैं। तो XUV 300 में आपको 17 KMPL से लेकर 20 KMPL तक का कंबाइन माइलेज मिलता है, वहीं इको स्पोर्ट्स में आपको 15 KMPL से लेकर 21.7 KMPL तक का कंबाइन माइलेज मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर महिंद्रा XUV 300 सेगमेंट का लोवेस्ट यानी कि 257 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है, वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में। तो जहां पर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं।
इसके अलावा अगर बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर, तो गौर करेंगे, एक नज़र डालेंगे दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर, और शुरुआत करेंगे पहले फीचर से जो कि है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। एलईडी डीआरएल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, एलईडी टेल लैंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स आपको दोनों ही गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। साथ ही साथ में इको स्पोर्ट्स में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं एसयूवी 300 में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ एसयूवी होने की वजह से रूफ रेल्स आपको ऑफर करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट इस दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर दोनों गाड़ियाँ ऑफर करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं दोस्तों। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियां ऑफर करेंगी, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दोनों गाड़ियों में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, दोनों गाड़ियां टिल पावर स्टीयरिंग के साथ में आती है, और आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको दोस्तों टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जहां पर आपको इको स्पोर्ट्स में 9 इंचेस का टच स्क्रीन मिलता है, वहीं एक्सयूवी 300 में आपको मात्र 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। साथ में दोनों गाड़ियां बेसिक फीचर्स ऑफर करती हैं, जैसे कि AM/FM, USB, ऑक्सिन, MP3, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं, लेकिन यहां पर टच रिस्पॉन्स और म्यूजिक क्लैरिटी के मामले में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स का सिस्टम ज़्यादा बेहतरीन है। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है, और थोड़े बहुत कनेक्टेड कार फीचर्स भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। सेफ्टी के मामले में दोस्तों, जहां तक फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं एक्सयूवी 300 में आपको 7 एयरबैग्स मिलेंगे। दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EBD देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, एंड द लास्ट इज हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, और बात कर लेते हैं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको महिंद्रा की XUV 300 में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे पहले फीचर से, तो इको स्पोर्ट्स में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाएगा, 9 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा, और डेड पेडल फुटरेस्ट ड्राइवर के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक्शन कंट्रोल और पेट्रोल ऑटोमेटिक में पेडल शिफ्टर जैसे फीचर्स आपको इको स्पोर्ट्स ऑफर करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों, और बात कर लेते हैं महिंद्रा की XUV 300 में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट्स ऑफर नहीं करेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, तो महिंद्रा XUV 300 में आपको प्रीमियम लेदरेट सीट देखने को मिल जाते हैं, ड्यूल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज दोस्तों आपको टायर पोजिशन डिस्प्ले मिल जाता है, टायर ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा, और आपको रोल ओवर मिटिगेशन का फीचर भी XUV 300 ऑफर करती है। नेक्स्ट इज दोस्तों इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच मिल जाएगा, और हीटेड ORVM जैसा लास्ट फीचर मिलता है। तो कुल मिलाकर ये सारे फीचर्स थे जो आपको XUV 300 में मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में। तो फोर्ड के इको स्पोर्ट्स में आपको 3 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, वही महिंद्रा की XUV 300 में आपको 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है। अब थोड़ा सा मेंटेनेंस पर भी गौर कर लेते हैं दोस्तों। तो आप सभी को मालूम है कि महिंद्रा के मुकाबले में फोर्ड का मेंटेनेंस सस्ता आता है, बेहतरीन वारंटी ऑफर भी आता है, और साथ ही साथ में फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस महिंद्रा से कहीं ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, कि मेरे किसी भी वीडियो में और इस वीडियो में भी जो भी प्राइस मैं कोट करूंगा, वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए होते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे इको स्पोर्ट से, तो इको स्पोर्ट का जो पेट्रोल में टिटेनियम प्लस मैनुअल वेरियंट है, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 10,53,000 रुपीज़ का, और इसी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलेगा 11,43,000 रुपीज़ तक का। वहीं महिंद्रा की XUV 300 का जो पेट्रोल में W8 ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट है, ये मैनुअल में आपको मिलता है एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 11,84,000 रुपीज़ का, जो कि इको स्पोर्ट्स के मैनुअल वेरिएंट से 1,31,000 रुपीज़ और ऑटोमेटिक वेरिएंट से लगभग 41,000 रुपीज़ महंगा है। और महिंद्रा की XUV 300 में आपको कोई भी पेट्रोल में AMT या फिर ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलता है।
अब बात करते हैं डीजल की। इको स्पोर्ट्स डीजल टिटेनियम प्लस वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 11,03,000 रुपीस का मिलेगा, लेकिन इको स्पोर्ट्स में डीजल में आपको कोई भी एएमटी या फिर ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं एक्सयूवी 300 का जो डीजल W8 ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट है, मैनुअल में आपको मिलेगा एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 12,14,000 रुपये में, और एएमटी में आपको मिलेगा 12,69,000 रुपीस का। ये दोनों वेरिएंट इको स्पोर्ट्स के डीजल मैनुअल वेरिएंट से 1,11,000 रुपये से लेकर 1,66,000 रुपीस तक महंगे आते हैं। आप एक नज़र डालते हैं कॉम्पिटिशन पर, तो इन दोनों गाड़ियों के अलावा टाटा नेक्सॉन, ह्युंडई की वेन्यू और मारुति की ब्रेजा जैसी गाड़ियां इस सेगमेंट में आती हैं, और कुछ हद तक ह्युंडई की क्रेटा और किया सेल्टोस भी इन गाड़ियों को एक अच्छा खासा कंपटीशन ऑफर करती हैं। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर। शुरुआत करेंगे फोर्ड की इको स्पोर्ट्स से। तो फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में रियर सीट पर शोल्डर रूम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। डीजल में ऑटोमेटिक इको स्पोर्ट्स में आपको अवेलेबल नहीं है, ये भी एक ड्रॉबैक है। और इको स्पोर्ट्स के जो टॉप वेरिएंट है वो थोड़े से ओवर प्राइस है, मेरे हिसाब से उनकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं एक्सयूवी 300 के बारे में। तो एक्सयूवी 300 में आपको फिट एंड फिनिश और इंटीरियर की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इसके जो केबिन में स्पेस है वो बहुत ही एवरेज है, सेगमेंट का सबसे लोएस्ट बूट स्पेस आपको ऑफर करती है, और एनवीएच लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, और मेरी मायने में एक्सयूवी 300 की जो टॉप एंड वेरिएंट्स है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड हैं। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिंद्रा की एक्सयूवी 300 कुछ बेहतरीन फीचर्स के साथ में आती है, लेकिन यहाँ पर अपनी बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, बेहतरीन कंफर्ट, बेटर इंजन रिफाइनमेंट, बेहतरीन बूट स्पेस, लो मेंटेनेंस और बेस्ट वारंटी ऑफर की वजह से मेरी राय में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स क्लियर विनर साबित होती है। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी राय में अपने लिए मैं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स को डेफिनेटली लेना पसंद करूंगा, चाहे फिर वो पेट्रोल वेरिएंट हो या फिर डीजल वेरिएंट हो। और इसका कंप्लीट क्रेडिट जाता है कि दोनों गाड़ियों में 41,000 रुपीस से लेकर 1,66,000 रुपीस का एक बहुत बड़ा प्राइस गैप है, जिससे एक्सयूवी 300 मेरी राय में जस्टिफाई नहीं कर पाती। और अभी अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि फोर्ड के इको स्पोर्ट्स बेटर राइड एंड हैंडलिंग के साथ में आती है, बेहतरीन कंफर्ट आता है, इंजन का रिफाइनमेंट एक्सयूवी 300 से ज़्यादा बेहतर है, बूट स्पेस और स्पेस मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है, लो मेंटेनेंस है, और एक्सयूवी 300 से इको स्पोर्ट्स ज़्यादा बेहतर वारंटी ऑफर के साथ में आती है। अब ये आपको तय करना है दोस्तों कि आप कौन सी चीज़ों को, किन फीचर्स को तवज्जो देना चाहते हैं और अपने लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी चुनते हैं। आज की इस फाइट में आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती है, इन सभी चीज़ों का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक आप और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।